आईपीएल सीजन 13 से सुरेश रैना के हटने के साथ ही चेन्नई सुपर किंग की बल्लेबाजी का पूरा जिम्मा महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर आ गया है। दरअसल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद धोनी बिना किसी दबाव के आईपीएल 2020 में धमाका करने के लिए बिल्कुल तैयार है। वहीं आपको बता दें, आईपीएल से सुरेश रैना के हटने के साथ ही चेन्नई सुपर किंग में नंबर 3 का बैटिंग ऑर्डर खाली हो गया है। सुरेश रैना का मानना है कि धोनी को खुद नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए उतरना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग के कप्तान धोनी ने पिछले आईपीएल सीजन में 15 मैचों में 83.20 की औसत से 416 रन बनाए थे, जिसमें 3 अर्धशतक शामिल थे। इस दौरान उनका बेस्ट स्कोर नाबाद 84 का रहा था। वहीं सूत्रों की माने तो सुरेश रैना ने एक इंटरव्यू में कहा कि धोनी को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करनी चाहिए। अगर धोनी इस नंबर पर बैटिंग करते हैं तो इससे चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग ऑर्डर में संतुलन बना रहेगा। सुरेश रैना ने कहा, हम पाकिस्तान के खिलाफ 2005 में विशाखापट्टनम वनडे में खेली गई धोनी की 148 रनों की पारी को कैसे भूल सकते हैं। ये काफी अहम बैटिंग पोजीशन है। रैना ने कहा कि धोनी ने फिनिशर की भूमिका में आने से पहले टीम के लिए इस नंबर पर काफी बेहतरीन पारियां खेली हैं और मुझे लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 3 पर बैटिंग करनी चाहिए। खैर, आपको क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी इस बार आईपीएल में अपनी टीम को आईपीएल का खिताब जिता पाएंगे या नहीं? खैर, आपको बता दें कि सुरेश रैना और भज्जी पहले से ही आईपीएल से अपना नाम ले चुके हैं। खैर, आपको क्या लगता है महेंद्र सिंह धोनी का आगे क्या प्लान होगा, हमारे कमेंट बॉक्स पर मेंशन करना ना भूले। LD News Room रिपोर्ट।